हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निप्स हेल्पलाइन कोलकाता। तो आज हम लोग निप्स स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के फ़ी स्ट्रक्चर और कोर्स के बारे में जानेंगे और उसके फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे। तो निप्स में किस किस तरह के कोर्स कराए जाते हैं, किसकी कितनी फ़ीस है, सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। निप्स में चार तरह के कोर्स करवाए जाते हैं। एक BSc हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन ये कोर्स है, दूसरा BSc इन कलिनरी साइंस, तीसरा MSc इन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट और चौथा डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। ये चार तरह के कोर्स निप्स में ऑफ़र किए जाते हैं। तो एक एक करके चार कोर्स के बारे में जानेंगे और चारों के फिक्स स्ट्रक्चर के भी बारे में जानेंगे। तो पहले बात करते हैं BSc हॉस्पिटलिटी एंड होटल मैनेजमेंट होटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ये 3 साल का कोर्स होता है। इसमें आपको 12 पास होना अनिवार्य है। अगर आप 12 पास होते हैं तो ये इस कोर्स में आप इनरोल करवा सकते हैं। सेकंड है BSc इन कलिनरी साइंस। इसमें भी योग्यता आपको 12 पास होना चाहिए। अगर आप 12 पास हैं किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्ट्रीम से, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है MSc इन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। ये बेसिकली 2 साल का कोर्स होता है और इसमें आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। किसी भी कॉलेज से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आपका स्ट्रीम आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपके पास एक ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, तभी आप MSc कर सकते हैं और ये 2 साल का कोर्स होता है। और तीसरा है डिप्लोमा, ये भी आप 12 के बाद कर सकते हैं, ये 1.5 साल का कोर्स होता है। अब हम इन चारों कोर्सेज के फिक्स स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ये है BSc इन होटल एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, BSc इन हॉस्पिटलिटी एंड होटल मैनेजमेंट का ये फ़ी स्ट्रक्चर है। और ये देखें टोटल इसका फ़ी स्ट्रक्चर 5,40,000 है। ये पूरे 3 साल का कोर्स है और आपको इसको 6 इंस्टॉलमेंट में आपको पूरा पे करना होता है। 6 इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना होता है। ये देखिए, पहला इंस्टॉलमेंट आपको 1,00,000 रुपये ड्यूरिंग एडमिशन देना पड़ता है। अगर आपके पास 1,00,000 नहीं है एडमिशन के दौरान, तो भी आप 50,000 देकर आप सीट बुक कर सकते हैं और बाद में आप 50,000 देकर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपना पे कर सकते हैं। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट देखिए आपको 7 नवंबर को देना है। थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको 90,000 7 अप्रैल को देना है। इसी तरह फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट और 6th इंस्टॉलमेंट अपने तय डेट के हिसाब से आपको देना है। इसी दौरान अगर आप पूरा 6 इंस्टॉलमेंट तक देखेंगे तो आपका टोटल फी स्ट्रक्चर होता है 5,40,000 रुपये। ये आपका 3 साल का ये कोर्स होता है BSc करने का। इसको शॉर्ट में BSc HHA भी बोला जाता है। ये टोटल फी स्ट्रक्चर आपका 3 साल का है, 5,40,000 रुपये। ये करंट डाटा है 2023 का और 5,40,000 ये रहा। और इसमें आपको 17,000 रुपये और इंक्लूड करने पड़ते हैं। ये बाद में आपको बताया जाएगा जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद में आपको बताया जाएगा। ये होता है बेसिकली आपको ड्रेस का जो फ़ी होता है वो आपसे लिया जाता है। ये ड्यूरिंग एडमिशन तो नहीं लिया जाता है, लेकिन बाद में क्लास स्टार्ट होने के 1 या 2 मंथ के बाद में आपसे ये 17,000 रुपये और लिया जाता है। तो आप 5,40,000 और इसमें 17,000 रुपये और ऐड कर दीजिए। ये होता है आपका टोटल फ़ी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कलिनरी साइंस के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। ये है BSc इन कलिनरी साइंस, ये भी 12 पास का ही कोर्स होता है और इसका फ़ी स्ट्रक्चर BSc से थोड़ा सा ही लगभग कम होता है। इसका है 4,30,000 रुपये। ये भी 3 साल का कोर्स होता है, आपको 6 सेमेस्टर में देना होता है। हर ईयर में 2 बार होता है, देना पड़ता है, 2 टाइम्स देना पड़ता है। ये तो 6 सेमेस्टर में इसको पूरा पे करना पड़ता है इंस्टॉलमेंट में। और इसका टोटल फ़ी स्ट्रक्चर है 4,30,000 और इसमें भी आप 17,000 रुपये ऐड करना होगा आपको, जो ड्रेस के लिए लिया जाता है। ये देख सकते हैं फ़ी स्ट्रक्चर BSc इन कलिनरी साइंस। फ़ी स्ट्रक्चर है
एमएससीन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट का 3,80,000 का फीस स्ट्रक्चर, और इसमें भी आप 17,000 रुपये ऐड कर सकते हैं। ये ड्रेस का जो फी होता है वो लगता है, आपको स्टार्टिंग में तो नहीं लिया जाएगा बट बाद में आपसे ये पैसा भी चार्ज किया जाएगा, अप्रोक्स 4,00,000 पकड़ कर चले। बस यही है इस वीडियो में। और एक डिप्लोमा का था, तो डिप्लोमा का फीस स्ट्रक्चर तो फिलहाल मेरे पास नहीं है, अगर डिप्लोमा का फीस स्ट्रक्चर मेरे पास आया तो इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।